शुक्र बात बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है ग्रोइंग अप बॉयज एंड गर्ल्स। इसमें हमने पिछले वीडियो में आपको घरेलू कार्य से संबंधित बातें बताई थी कि महिलाएं जो घरेलू कार्य करती हैं, इसके साथ साथ एक महिला मिलानी की स्टोरी बताई थी कि वो दूसरे घर में काम करती है, उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इवन देन खाने को भी भरपेट भोजन नहीं मिलता था। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे चलते हैं कि महिलाओं को वास्तव में बहुत घरेलू कार्य कम करने पड़ते हैं, जिसमें बहुत से कार्य सम्मिलित है। कुछ कार्य तो ऐसे जिसमें शारीरिक श्रम बहुत अधिक लगता है, आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं, स्त्रियां, लड़कियां जलाने के लिए अपने सर पर लकड़ियां इकट्ठा लाती हैं, कपड़े धोती हैं, साफ सफाई करती हैं, झाड़ू लगाना और भी बहुत से काम हैं जो काफी मेहनत के होते हैं, उनमें काफी श्रम लगता है। और एक गांव में तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में कि काफी लंबे समय तक चूल्हे के सामने बैठकर खाना बनाना, कितनी गर्मी को सहन करना, काफी शारीरिक श्रम लगता है। लेकिन हमें सोचते हैं कि ऐसा भारी कार्य खाली पुरुष ही कर सकते हैं, ये सोच हमारी गलत है। अगर हम दोनों कार्य को जोड़ें, कुछ महिलाएं बाहर भी कार्य करती हैं, जॉब भी करती हैं, घर का कार्य भी करती हैं, अगर हम दोनों कार्य को जोड़ते हैं तो आप जोड़ के देखेंगे कि महिलाएं पुरुष से अधिक कार्य करती हैं। इसमें एक डाटा लिया गया है, हरियाणा तमिलनाडु राज्यों का एक डाटा है, दोनों स्टेट का, जिसमें स्त्री और पुरुष के संबंधित कार्य के बारे में बताया गया कि कितना कार्य करती है। 1998-99 का ये डाटा है, इसको हम स्टडी करेंगे और इसी से पता लगाएंगे कि स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा कार्य करती हैं। हरियाणा का डाटा है, प्रति सप्ताह कितने घंटे कार्य करती है जो महिलाएं बाहर जॉब करती है, वेतन सहित कार्य 23 घंटे, अवैतनिक कार्य जो घर में करती है 30 घंटे, ऐसे तमिलनाडु में 19 घंटे वेतनिक और अवैतनिक 35 आवर्स। आगे क्वेश्चन मार्क लगा, टोटल जोड़िए, इसका कंपैरिजन करते हैं पुरुषों से। पुरुषों का पूरे सप्ताह में वेतनिक कार्य जो 38 घंटे और घर में सिर्फ 2 घंटे, एक हरियाणा के डाटा से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि पुरुष ने प्रत्येक सप्ताह कुल 40 घंटे वर्क किया, जबकि अगर स्त्रियों की बात करें उनका 30 घर में, 23 बाहर, इनका हो गया टोटल 53 और पुरुषों का वो 40, तो इट मीन 13 घंटे अधिक कार्य, वो भी बाहर के कार्य भी और घर के कार्य भी ज्यादा करती है। तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन है ये कि पुरुष अधिक कार्य कर सकते हैं, मेहनत वाले कार्य कर सकते हैं, ये बात इससे थोड़ी गलत सिद्ध होती है। तो इस डाटा को देखेंगे और स्टडी करेंगे कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता है।